नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सार, आपके साथ मैं हूं अपूर। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। बीसीसीआई की सिरदर्दी आईपीएल के शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ मैचेस जो अबू धाबी में आईपीएल के होने वाले हैं उस पर भी संकट के बादल मंडराना शुरू हो चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब यूएई में आईपीएल शिफ्ट करने की बात हुई थी तब यही सोचा गया था कि भारत में कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन यूएई में एक तरीके से उन पर लगाम लगाई जा चुकी है, इसलिए वहां पर हम आईपीएल करवा सकते हैं। लेकिन जब से आईपीएल करवाने का फैसला हुआ, टीम्स वहां पहुंच रही हैं, ऐसे में देखें तो वहां की यूएई की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डेटा जारी किया है रोहित, जो कि बहुत चौंकाने वाला है और बहुत डराने वाला भी है। अबू धाबी में और उसके आसपास के पूरे इलाकों में पिछले दो दिनों में पिछले एक महीने के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 1400 लगभग केसेस पिछले दो दिनों में सामने आए हैं। तो ये कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं, या फिर आप मानते हैं ये एक छोटा सा फैक्टर हो सकता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी? नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत इस समय पे नहीं कही जा सकती है क्योंकि ये बहुत इनिशियल डेटा है। लेकिन दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस डेटा में डिफरेंशिएशन इतना है कि आप कह सकते हैं कि यार ये चीज़ें तो बढ़ रही हैं, अब किस तरह से इस पे काबू पाया जाएगा। खासतौर पे ये कि आपका जो बायो बबल है वो भी एक बार फूट चुका है, अगर आप CSK वाला केस देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर एक बात स्पष्ट कर देती हैं कि चीज़ें इस समय पर अगर आप IPL के लिहाज से देखें, और मुझे याद है ब्रजेश पटेल से जब ये सवाल किया गया था कि आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो BCCI के कंट्रोल में या IPL गवर्निंग काउंसिल के कंट्रोल में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो अबूधाबी जैसे अबूधाबी में हुआ, पहले 7 दिन का वहाँ पे क्वारंटीन का रूल था कि आप आएंगे 7 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अचानक वो 14 दिन का कर देते हैं, इसी वजह से IPL का शेड्यूल लटक गया था, वरना IPL का शेड्यूल उसी समय पर आ जाता। दुबई में हालांकि क्या है, 7 दिन का ही है रिलैक्सेशन पीरियड, तो दुबई बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इस समय पर भी पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अबूधाबी में जो चेंजेस हुए उसमें एक खबर हम लोगों ने और दी थी स्पोर्ट्स आर में, और वो खबर ये थी कि जो पहले राउंड के मैच होंगे, यानी अगर आप 3 राउंड्स में बांट ले 60 दिन को, तो पहले जो 20 मुकाबले होंगे वो सिर्फ दुबई में भी हो सकते हैं। ये भी एक केस निकल कर सामने आ रहा था, ऐसी भी एक इक्वेशन हो सकती है। तो निश्चित तौर पर IPL गवर्निंग काउंसिल के लिए इस समय सरदर्दी नहीं होगी, लेकिन अगर 2-4 दिन ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर खतरे की घंटी बज सकती है, और क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, वहां की सरकार जो कह देगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो अगर वहां की सरकार ने ये कह दिया पूर्व बाय चांस कि शारजा जाने के बाद आपको 2 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, यानी एक दिन एक मैच के बीच में अगर वो टीम वहां नहीं है और बाहर से आ रही है, सपोज दुबई से कोई टीम खेलने आ रही है, तो पहले उसे 2 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा, यानी आपके 2 दिन और बर्बाद हो जाते हैं। तो आप ऐसे करके कितना कैरी फॉरवर्ड करोगे पूरा का पूरा IPL, वो एक बहुत मेजर कंसर्न है। बिल्कुल मेजर कंसर्न है, और लेकिन ऐसे में अगर ये जितने केसेस सामने आए हैं, 600 केसेस एक दिन सामने आए हैं बीते 24 घंटे में, और इतने ही लगभग एक दिन पहले बुधवार और गुरुवार दोनों को एक दिन 650 और एक दिन 750 के आसपास केसेस सामने आए हैं, ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा ये डेटा नहीं है। लेकिन UAE के अभी तक के कुल मामलों को देखा जाए तो वहां तो अभी तक के कुल मामले ही 72,000 है, जिनमें से 62,000 ठीक हो चुके हैं, एक्टिव हजार सिर्फ 10,000 केसेस हैं। तो उसको देखते हुए मैं ये कह रहा था कि बड़ा नहीं, वही है क्योंकि देखिए आप एक सुरक्षा बैंड के साथ गए थे, वो सुरक्षा बैंड ये था, बायोसिक्योर बबल था, कि आपका जो जैसा इंग्लैंड की सीरीज में हम देख रहे हैं कि वो टूट नहीं रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको खिलाड़ियों को चाहिए कि फोटो भी खिंचानी है, अपलोड भी करनी है, दोस्तों के साथ भी रहना है, और विराट कोहली ने वो बहुत अच्छी बात कही कि हम यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट खेलने आए, घूमने और टहलने के लिए कभी और नहीं आए, दोबारा आएंगे वो दिन तो आप करिएगा। लेकिन ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो शायद ऐसे प्लेयर्स को बोलना चाहिए जिनकी बातें लोग सुनते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ये कुछ भी कहेंगे तो न सिर्फ फैंस मानेंगे बल्कि खिलाड़ियों को भी, जो युवा खिलाड़ी होंगे उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी इस चीज़ का होगा, यार मिल नहीं रहा है, खेलने को नहीं मिल रहा है, उस तरह से 5-6 महीने से नहीं खेला है, पहली बार बैटिंग करने जाऊँगा तो कॉन्फिडेंस क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी जो हम और आप भी देखते हैं, जब हम 6 महीने बाद बल्ला पकड़ते हैं तो उस तरह से बॉल पे बैट पे आते ही नहीं है बॉल, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, तो वही कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से शैटर हो रखा होगा। बिल्कुल, तो चलिए ये खबर आ रही थी, खतरा तो है, लेकिन हाँ इतना बड़ा अभी खतरा इसे नहीं कह सकते कि IPL पर कोई बात आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होगा तो ये हो सकता है कि अबू धाबी के जो मैचेस हैं वो शिफ्ट करके दुबई में करवा लिए जाएं। मैचेस पूरे होंगे उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा, बाकी कोई और अपडेट वहां से आती है तुरंत हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।